सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण 11 मई को संपन्न होगा, जिसमें कुल 776 मतदान केंद्र तथा 842 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी। वही जिला अधिकारी ने मतदान को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए उपद्रवी असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोग हमेशा अपना वोट डालकर चले जाएं। यदि उनके द्वारा मतदान में कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है या प्रयास भी किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये दो अलग अलग जनपदों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलंदशहर और पीलीभीत में भी कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसके लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। तो वही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं। देखिए, कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। मैं जो भी शरारती लोग हैं या जिनके मन में किसी प्रकार के प्रभाव है या कुछ गलत सोच रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सवेरे अपना मतदान करें और उसके बाद बुलंदशहर छोड़ करके घूमने चले जाएं और शाम को 6 बजे के बाद ही अपने नगर निकाय या अपने मुख्यालय पर वापस आएं। अदरवाइज वो पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, कल मतदान है 11 तारीख और आज पोलिंग पार्टी का यहाँ पर डिपार्चर है और ये ड्रमड कॉलेज में, यहाँ पर जो यहाँ पीलीभीत नगर पालिका है, इसके अलावा पकड़िया नौगवा है और न्यूरिया है, जहानाबाद है, इनकी पोलिंग पार्टी यहाँ पर से रवाना की जा रही है और जो नगर पंचायत या नगर पालिका जिस तहसील में पड़ती है वहाँ से उनकी पोलिंग पार्टियाँ रवाना की जा रही है। उनको सामग्री दी जा रही है, उनको बस की व्यवस्था की गई है, उनके लिए छाया की, पानी की और चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर लगाई गई है और पोलिंग बूथ जो हमारे बने उस पर भी सभी तरह की सुविधाएँ हमने उपलब्ध कराई है और कल जो है 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसको मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम संपन्न। अब खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव के बयान पर सांसद सुब्रत पाठक बोले कि अखिलेश यादव शायस्ता को माफिया बताने पर रो रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि सपा माफियाओं को संरक्षण देती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। शायस्ता परवीन को माफिया बताने पर अखिलेश यादव जी रो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से लोग तुष्टिकरण की नीति के हिसाब से जो काम करते हैं और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, यही कारण है। ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं और आतंकवादियों तक को छोड़ने की वकालत करते हैं। और ये कोई नया इसलिए भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इन्हीं शायस्ता परवीन को मायावती जी प्रयागराज से टिकट दे रही थी, वो तो मुकदमा ना लगा होता, फरार ना हो रहा होती तो अब तक वो चुनाव भी लड़ रही होती। इन दोनों में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कंपटीशन मचा हुआ है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में यह वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को और ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए अखिलेश यादव जी का यह बेचैनी में दिया गया बयान है। तो वही बल्लभगढ़ में स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल विकास धरा एनजीओ के माध्यम से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। पूरा मामला बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी का है। साथ ही मजदूरी कराने के मामले में दुकान संचालक के खिलाफ स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आज एक बच्चे को चावला कॉलोनी चौकी एरिया से एक बच्चे को रेस्क्यू किया है और जो बच्चा है एक दुकान पे काम कर रहा था, बाल मजदूरी कर रहा था। जो हमारे साथ बाल विकास धारा एनजीओ है, जिला बाल इकाई की टीम है, लेबर इंस्पेक्टर हैं और भी कई साथी हैं, जिला चाइल्डलाइन है और भी कई साथी हमारे साथ, सभी टीमों के साथ मिलकर इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था दुकान से। कितनी उम्र बताई जा रही है बच्चे की, कब से काम कर रहा है? करीब 12-13 साल बच्चे की उम्र है और जो बच्चे ने अभी बताया, थोड़े टाइम से बच्चा, मतलब करीब 2-3 महीने से बच्चा काम कर रहा था। तो वह सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव गोंडा पहुंचे। वहां पहुंचकर शिवपाल यादव ने एक बयान भी दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ने अमेठी घटना को लेकर बोला है कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, रामपुर में जनता को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तरह की जो भी नफरत फैलाने वाली चीजें जो भी हैं उन पर रोक लगा देना चाहिए।
लेकिन जगह जगह पे बदल देते हैं, अपमान जनता हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप, क्या कैसी राजनीति हो रही है जगह जगह पर। बजरंग दल को बैन करने की बात हुई, अब हनुमान चालीसा किया जा रहा है। देखिए जितने ये चीजें हम लोग पूजा ही करके चलते हैं, लेकिन जितने भी नफरत जिससे फैलती है, हम लोग तो बजरंग बली का नाम लेके ही कोई काम की शुरुआत करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो वही मत्स्य विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद ने बस्ती का औचक निरीक्षण किया है। बताते चले कि यहाँ संजय निषाद ने जनपद बस्ती स्थित राजकीय मत्स्य निगम की राप्ती हैचरी का औचक निरीक्षण किया है। संजय निषाद ने बताया कि राप्ती हैचरी मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश के दूसरे स्थान पर है और इसको प्रथम स्थान पर लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि राप्ती हैचरी में कुल 6 प्रकार की ब्रीडिंग कराई जाती है। विभाग के मंत्री होने के नाते इस विभाग को प्रमोशन कराना, इस मत्स्य विभाग को जनता तक पहुंचाना और इसको जो व्यवस्थाएं हैं उसे लागू कराना मेरा काम है। तो इस समय मत्स्य पालन में हैचरी का सबसे बड़ी भूमिका है कि हमारे पास स्वस्थ हमारे पास ज़्यादा बीज हैं और गुणवत्ता भी पैदा करने के लिए जो समस्याएं उसका समाधान करेंगे, उसे हमें औचक निरीक्षण करना नहीं पड़ा। मणिपुर से छात्रों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में फरीदाबाद के 3 छात्र आज अपने घर पर लौटे हैं। इस मौके पर छात्रों ने मीडिया से खास बातचीत की है। बता दें कि मणिपुर के हालातों में फंसे छात्रों ने अपनी सुरक्षित घर वापसी के लिए हरियाणा सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद भी किया है। वो करी मांगी आपने? हमने मदद मांगी हरियाणा सरकार से। हमने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, मेल वगैरह किए उन सब से, हमें तुरंत मदद प्रोवाइड हुई। हमें 24 घंटे के अंदर हमारी टिकट हमारे हाथ में आ गई और हमारे डीएम सर विक्रम सिंह ने बहुत मदद करी, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और हमको रात वगैरह में नींद नहीं आती थी कभी कभार, तो हरियाणा सरकार ने हमने एक बार कॉल करी और 24 आवर में उन्होंने टिकट हमारे हाथ में दे दी। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर? बीटेक सीएससी। कौन सा ईयर है? सेकेंड सेम है, फर्स्ट ईयर। कितना डर लगता रहा, कितने दिन फंसे आप? कितने 3 मई से कर्फ्यू लगा था और हमें भी 3 मई को ही पता चला था, 7:00 बजे थे फरीदाबाद जिला के, ये मणिपुर में IIIT के स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर के, सेकंड सेमेस्टर इन बच्चों का चल रहा था, तो इनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित इनको माननीय उपायुक्त महोदय श्री विक्रम सिंह जी के निर्देश पर नायब तहसीलदार फरीदाबाद इनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के आए हैं और इन बच्चों को अब इनके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। तो वहीं सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बजरंग दल का देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण का आयोजन किया गया। बता दें कि आतंकियों के पैरोकार और अन्य संगठनों के साथ ही देश विरोधी हिंदू द्रोही मानसिकता के सद्बुद्धि हेतु भगवान बजरंग बली का आह्वान किया गया। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताते चले कि आग से जलकर 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया जहां इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी पहुंचे, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। 5 मैं घर पे नहीं था। सूचना कैसे मिली आपको? फोन किया कोई गांव का, बोला गांव में आ गया था, अभी बात क्या है। फायर ब्रिगेड को जब सूचना दी गई थी तो कितने देर बाद यहाँ पहुँचे? कहाँ आया फायर ब्रिगेड, सब कुछ होने को, सब कुछ जल मर गया तब आया फायर ब्रिगेड वाला। प्रशासन तो कह रहा है कि सिर्फ 5 लोगों की मौत हो रही है। 5 लोगों की सब देखने को ही है, जिला पे भेजे 3 लोगों को, एक बच्ची मेरी, दो दादा की,
कह रहे हैं कि मतलब वो दादा दी मर गए हैं, बच्ची बच्ची है, अल्लाह जाने क्या हुआ क्या हुआ। 21 रामकोला थाने का जो गांव है माघी मठिया, यहाँ अज्ञात कारणों से आग लगी थी, उसमें एक ही परिवार से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और उनके 3 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ जिला अस्पताल में, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक है, सामान्य, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है एक ही फैमिली में है, शेर मोहम्मद की पत्नी है और उनके 4 बच्चे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मृतक हैं, प्रत्येक मृतक के लिए 4 लाख रुपये का आर्थिक सहायता के लिए घोषणा किया गया है। सर, 5 लोगों की मौत हुई है यहाँ पे और 2 लोग हॉस्पिटल में जाके रविन्द्र नगर एक्सपायर कर गए। तो जिनकी मौत हुई है क्या एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार के थे और एक औरत ही मतलब अपने बच्चों को लेके अंदर सो रही थी और बाहर से जो आग लगा उसका लपट उसके घर पे गिरा तो उसका जो रास्ता था हमें निकलने का वो पूरा जल रहा था, वो निकल नहीं पाई, बच्चों को लेके उसी में जल गई है। प्रशासन तो 5 की मौत वो की बात गलत कह रहे हैं, लोग 7 लोग मरे, 2 लोग हॉस्पिटल में, बच्चों के जो दादा दादी हॉस्पिटल में गए हैं और एक छोटी बहन, तो छोटी बहन अभी जीवित है लेकिन वो दादा दादी भी मर गए हैं और यहाँ 5 लोग यहाँ पे मर गए हैं। बाराबंकी में नहर पुलिया पर खून से लथपथ एक 35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के कनपट्टी पर गोली के गहरे निशान मिले वह मृत युवक के पास से असलाह और खोखा तक बरामद किया गया है। वही मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सहित थाना सफदरगंज की पुलिस मौजूद रही। मृतक की शिनाख्त थाना जैतपुर के ग्राम इचौलिया निवासी राजेश सिंह उर्फ ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था और मृतक के परिजनों में हड़कंप भी मच गया है। वही प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। इसको लेके घर जाइए और मैं किसी दूसरे के साथ आ जाऊंगा, मैं मुझे अंते जाना है। इसी बीच ये जानकारी मिली है कि किसी 2 लोगों के साथ और जगह बैठ करके ड्रिंक किए थे। सुबह पता चला कि इनकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई, डेड बॉडी की जो देखने से वो उकड़ी हुई पड़ी हुई है पुलिया पर और एक 12 बोर के तमंचा जो वहीं हाथ में पड़ा हुआ है, इनको गोली लगी हुई है सर में दाहिने तरफ से। अभी हम डेड बॉडी को यहाँ पर उठा करके, जो आरंभिक साक्ष्य है वो फील्ड यूनिट आ गई थी, हमारे डॉग स्क्वायड था, उसको संकलित करा करके भिजवा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और परीक्षण रिपोर्ट आ जाती है। परिवारजनों से वार्ता करेंगे भैया, जो भी तथ्य आएगा उस हिसाब से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार करके परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बीच नगर पंचायत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां एक लंबे अरसे तक नगर पंचायत अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके मोहम्मद मशकूर ने निर्दलीय प्रत्याशी इकराम आलम को एक बैठक के दौरान समर्थन दिया। समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारा नतीजा अपने तरफ करना होगा। 70 साल से मैंने कस्बे की नुमाइंदगी की है, इस बार बैकवर्ड सीट होने के नाते मैं चुनावी मैदान से बाहर हूं, इसलिए मैं अपना पूरा समर्थन इकराम को देता हूं। इस दौरान कारी अब्दुल सत्तार, मोहम्मद शरीफ नदवी, खालिद बाबा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।